राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जो नवादा जिला से स्थानीय निकाय से है प्रबल कुशवाहा जी, उनका नामांकन 15 मार्च को होगा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यक्रम इंटर कॉलेज रजौली में प्रस्तावित है। नॉमिनेशन के बाद जो सभा होगी उस सभा को नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी संबोधित करेंगे। पार्टी के हमारे नेता स्थानीय विधायक उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुझे खुशी है कि नवादा के मतदाताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ए टू जेड की परिकल्पना को स्वीकार करते हुए लामबंद होकर के लोग आगे बढ़ चुके हैं। और हम यह कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्रवण कुशवाहा जी की जीत नवादा में सुनिश्चित है। कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। आए दिन हत्या होती है, बिन पैसे के काम ब्लॉकों में नहीं होता, थाने के लोग चक्कर काटते रहते, इंसाफ नहीं मिलती। दो दिन की रोटियों के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, रोजगार के अवसर नहीं है। मनरेगा में फर्जी आंकड़े जो खुल करके सदन के बीच में ग्रामीण विकास मंत्री जी ने रखा, नेता प्रतिपक्ष ने उनको भी आईना दिखा करके सबसे रूबरू कराने का काम किया। इसलिए अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार के साथ साथ एकाधिपत्य की नीतियों को अगर कोई प्रभावित करना चाहता है तो उसे भी नवादा की जनता कहीं ना कहीं खारिज करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। एक दुख है मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं, आदरणीय पूर्व मंत्री वल्लभ प्रसाद जी अगर बाहर होते तो पगारवादी अभिव्यक्तियां जो खुल करके एक दो आ जाते हैं वह अभिव्यक्तियां नहीं आती। अगर कोई नकारता है तो मैं मानता हूं राष्ट्रीय जनता दल के विचारों से वो जुड़ा हुआ नहीं है। आज हम कई जगह पर लोगों से बात भी किया, कल मिस्कौर में, रजौली में, सिद्धल्ला में, नरहट में लोगों से मिलेंगे भी, जो अपार समर्थन के चारों तरफ से जो आवाज निकली है वो आवाज श्रवण कुशवाहा जी, श्रवण कुशवाहा एक मात्र निमित्त मात्र है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विचारधारा यहां चुनाव लड़ रही है, यानी डायरेक्ट नेता हैं। और कोई माध्यम होता है जो उन चीजों को अगले जमा पहनाता है, तो पार्टी के सिंबल के रूप में, सिंबल के रूप में श्रवण कुशवाहा जी है। लेकिन उसके पीछे जो शक्ति है, वैचारिक शक्ति है, राजद की वैचारिक शक्ति है, सामाजिक न्याय की वैचारिक शक्ति है, ए टू जेड की, इन शक्तियों से लवरेज है। और यही कारण है कि नवादा जिला अधिनायकवाद से मुक्ति चाहता है। इस बात की चिंता भी है क्योंकि सबको पता है कि जिन शक्तियों ने उनको आज इस जगह पर ले जाकर के पहुंचाया है उसको नवादा की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और पूरी पार्टी लामबंद है। मैं तो चारों तरफ नवादा जिला के, चाहे रोह का इलाका हो, कौवापुल का इलाका हो, गोविंदपुर का इलाका हो, मिस्कौर हो, रजौली हो, सिद्धल्ला हो, नरहट हो, नारदीगंज हो, काशीचक हो, इस सभी इलाकों में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ता है। बरसलीगंज हो, नवादा की बात भी करता, सब लोगों ने श्रवण कुशवाहा जी के पक्ष में मतदाताओं ने खुल करके समर्थन दिया है। यह सुखद क्षण है। जो कुछ दृश्य आप सोशल मीडिया में दो चार चेहरों को देख रहे हैं वह भी नॉमिनेशन के बाद दिखाई नहीं पड़ेंगे, वही पार्टी के साथ दिखाई पड़ेंगे। हम फिर अपील करना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि नवनिहाल वृक्ष, जिनकी लंबी राजनीति की एक लकीरें खींचनी है, वो किसी प्रकार के कंस्पिरेसी के साजिश
साजिश के शिकार होकर के अपने राजनीतिक भविष्य को नहीं बर्बाद करनी चाहिए। आशा है लोगों को कल का उभरता चेहरा अधीनस्थता को स्वीकार करके अहंकार के अधीन होकर करके अपने वजूद को समाप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजद इन चीजों को हर पहलुओं पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। राष्ट्रीय जनता दल अनुशासन वाली पार्टी है, कर्तव्य निष्ठा वाली पार्टी है, वचनबद्धता वाली पार्टी है, प्रतिबद्धता वाली पार्टी है।